हेलो हेलो दोस्तों, आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, B1242 कोड के बारे में है। तो ये RAV4 का हमने इसको स्कैन किया, टोयोटा RAV4 2011। उसका क्या प्रॉब्लम था, रिमोट काम नहीं कर रहा था। तो जब इसका रिमोट काम नहीं कर रहा था तो मैंने गाड़ी को जब स्कैन किया तो उसमें ये कोड आ गया B1242। तो इसका डिफिनेशन ये है कि इसको जब ये कोड आएगा और रिमोट काम नहीं करेगा तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसका सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर, या अगर आपके पास सेटअप नहीं है तो गूगल के ऊपर आप भी चेक कर सकते हैं। तो ये है B1241 42। तो ये वाला B1242 है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसका डिफिनेशन चेक करेंगे। इंजन इमोबिलाइजर सिस्टम विद द स्मार्ट की, और ये जो यहाँ के ऊपर है विद इंजन इमोबिलाइजर सिस्टम विदाउट स्मार्ट की। तो हमारा वाला जो हमारा केस में स्मार्ट की नहीं है, सादा की है। तो हम इसको क्लिक करते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसमें तीन ऑप्शन दिया है कि ये ट्रबल एरिया हो सकता है। इसमें यह है कि वायर हार्नेस, डोर कंट्रोल रिसीवर का मतलब है रिमोट कंट्रोल। तो रिमोट कंट्रोल का जो ECU है उसको डोर कंट्रोल रिसीवर बोलता है। और इस दूसरा जो है जंक्शन ब्लॉक में, यानी जो इसको ग्राउंड जो जंक्शन वायरिंग तकसीम होता है, या मेन बॉडी ECU, तो या मेन बॉडी ECU ख़राब है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस कोड का जो यहाँ के ऊपर क्लिक करना है। तो ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है, ये वायरिंग डायग्राम है। तो आपने सबसे पहले इसका वायरिंग डायग्राम चेक करना है, बहुत आसान है। ये जो है मेन बॉडी ECU है, इसको सिर्फ दो वायर आए हुए हैं रिमोट से, और ये जो है ये रिमोट कंट्रोल है। तो ये PRG RDA, तो ये कोड का जो मतलब है वो ये है कि इसका जो रिमोट कंट्रोल है ये RDA, ये सिग्नल नहीं भेजता है बॉडी ECU को। ये बॉडी ECU है, ये सिग्नल नहीं भेजता है बॉडी ECU को। अभी यहाँ पे ऊपर फ्यूज़ लगा है, ये फ्यूज़ लगा है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, फ्यूज़ सब चेक करना है। हमारे केस में फ्यूज़ का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अगर इससे भी ये कोड आ सकता है, अगर इसी ECU में पावर, ये ग्राउंड वायर है, ये पावर वायर है, तो ये फ्यूज़ लगा हुआ है, तो आपने इसको चेक करना है, सारे फ्यूज़ सही है, तो आपने इस ECU को निकालना है। तो इस ECU के लिए सबसे पहले आपने लोकेशन मालूम करना कि ये कहाँ के ऊपर है। तो इसका जो लोकेशन है, आपने जो पसेंजर साइड है, टोयोटा गाड़ी का अक्सर पसेंजर साइड जो सीट है उसका जो कॉर्नर है वहाँ पे ऊपर आता है, लेकिन ये इसका जो ट्रंक है लास्ट में। अभी हम आपको आपके साथ लोकेशन शेयर करेंगे, तो वहाँ पे ऊपर लगा हुआ है। तो हमने इसको खोला है और चेक किया है। तो इस कोड का मतलब, मेरा बेसिक ये वीडियो का मतलब है कि अगर रिमोट काम नहीं कर रहे हैं और आपके पास ये कोड आ रहा है, तो इसका मतलब है ये RDA का जो सिग्नल भेजता है इसमें बॉडी ECU में, ये बॉडी ECU है, ये नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये देखो, ये इसमें सब बता रहा है। ये जो है ये डोर कंट्रोल रिसीवर का जो पिन है ये है, ये बॉडी ECU है, मेन बॉडी ECU। तो ये दो नंबर पिन जो है इसका RDA, ये बॉडी नंबर कनेक्टर E17 में, इसमें 5 नंबर पिन में लगा है। ये वायर रास्ते में ब्रेक हो गया है या काट हो गया, या इसमें प्रॉब्लम है, डोर कंट्रोल रिसीवर में प्रॉब्लम है। तो हमने खोल दिया है आप लोगों के साथ, जो शेयर करता हूँ। तो ये इसका डोर कंट्रोल रिसीवर है,
अभी गाड़ी फिलहाल कस्टमर लेके गया, लेकिन इसको छोड़ा है बनाने के लिए। अभी हम इसको ट्राई करते हैं। तो जब हमने इसको खोला तो इसके अंदर पानी गया हुआ था। ये उसके ऊपर जब आप खोलेंगे, इसके ऊपर डोर कंट्रोल रिसीवर लिखा होगा, तो पानी गया हुआ है। तो हमने इसको ये एक ये रेजिस्टर्स चेंज किया है। ये इसका नंबर है 753, 753 नंबर है। तो इसमें हमने ये देखो 753 है, तो इसके साथ जो है ये भी 753 था, तो इसमें हमने 663 लगाया है। तो अब इसको ट्राई करेंगे, क्यों सेम नंबर नहीं मिल पा रहा था। दूसरा जो इसका मेन प्रॉब्लम था, यहाँ के ऊपर पानी गया था, तो ये वायर यहाँ से इलेक्ट्रिक यहाँ से पास होता है यहाँ के ऊपर। ये देखें, ये कनेक्शन मैंने कर दिया। ये देखो, ये वायर का कनेक्शन कर दिया यहाँ पे, तो ये गल गया था, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक नहीं आ रहा था, कंटिन्यूटी नहीं हो रहा था। तो इसको हमने अभी सेट किया है, अभी चेक करेंगे। अगर काम किया तो ठीक है, नहीं किया तो इसको पूरा रिप्लेस्ड करना चाहिए। तो ये रिप्लेस करने से आपने जो रिमोट है इसका भी लाजम प्रोग्राम करना चाहिए, जो रिमोट है, क्योंकि उसका फिर आईडी बॉक्स में फ़र्क आ जाता है। तो ये डोर कंट्रोल रिसीवर है, इसको रिमोट कंट्रोल भी बोलते हैं, डोर कंट्रोल रिसीवर भी बोलते हैं। तो ये हर गाड़ी में अलग अलग होते हैं, टोयोटा क्रोला में भी आता है, टोयोटा कैमरी में भी आता है। तो ये अक्सर ये पीछे जो सीट है, पैसेंजर साइड की सीट, इस उधर ही लगा होता है। तो इसमें देखो ये कितना पिन है, 5 पिन है, इसमें 4 लगे होते हैं। इसका जो पिन नंबर 2 है, ये RDA का है। देखो पिन नंबर 2 ये RDA का है, तो यहाँ के ऊपर ये पिन नंबर 2 ये RDA का है। तो ये पिन ये रजिस्टर के हो से होते हुए ये ट्रांजिस्टर में आया है। तो ये ट्रांजिस्टर को ये ट्रांजिस्टर ऑन करता है, और ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है ये वायर से जो मैंने लगाया है, ये जो कटा हुआ था। तो अभी चेक करते हैं, अभी तो फ़िलहाल गाड़ी नहीं है, लेकिन आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो है कि कोई भी गाड़ी, टोयोटा गाड़ी का अगर रिमोट कंट्रोल काम नहीं कर रहा है, तो ये डोर कंट्रोल रिसीवर को वायरिंग डायग्राम चेक करना चाहिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। तो ये रिसीवर है।